हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ए मिड समर नाइट ड्रीम्स बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस वर्क है, एक बहुत ही फेमस कॉमेडी है। ठीक है सर, अब ये जो कॉमेडी है, इस कॉमेडी के अंदर ये स्टोरी है एथेंस की। एथेंस के अंदर एक कानून है, जिस जो कानून लड़की के बाप को ये अधिकार देता है कि जिससे लड़की का बाप चाहे लड़की को उसी लड़के से शादी करनी पड़ती है, वरना वो फादर जो है अगर वो राजा के पास जाके डिमांड करे कि सर मेरी लड़की मेरे के अनुसार शादी नहीं करती है तो उसे फांसी की सजा भी हो सकती है। आज तक इस कानून का कभी किसी ने कोई यूज नहीं किया है, पर हमारी जो हीरोइन है जिसका नाम है हर्मिया, ये एक ऐसी लड़की है जिसके फादर जो है जो जाकर कोर्ट में अपील करते हैं कि सर मेरी जो बेटी है वो, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जो है वो डेमेट्रिस से शादी करे, जबकि मेरी बेटी जो है वो लिसेंडर को पसंद करती है और वो लिसेंडर से ही शादी करना चाहती है। अब राजा जो है, अब वो राजा जो, राजा को ये बात तो पता है कि सर ये कानून तो गलत है, अब क्या करें। तो वो ये कहता है कि अगर बेटा मैं आपको 4 दिन का टाइम देता हूं, 4 दिन में अगर आपने पापा के अकॉर्डिंगली शादी नहीं करते तो फिर आपको फांसी मिलेगी। अब हर्मिया जो है ये लिसेंडर के पास जाती है और उसे बताती है कि बॉस मेरे पास तो ओनली 4 डेज हैं, अब आप बताओ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर 4 डेज ही हैं तो अपने यहाँ से, वो इसको ये इसको सजेस्ट करता है कि चलो अपन अपनी आंटी के घर चलते हैं। इनकी आंटी का घर जो है वो एथेंस से दूर है और वहां पे एथेंस का रूल लागू नहीं होता है, तो अपनी आंटी के घर चलते हैं और वहां जाकर आपको शादी कर लेते हैं। आप रात को अपने पापा का घर छोड़ के आ जाना और वहां पे अपनी शादी कर लेंगे। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक फॉरेस्ट में जाकर मिलेंगे और वो दोनों जने डिसाइड कर लेते हैं। अब ये बात जो है, अब आपको पता है लड़कियों के बात तो हजम होती नहीं है, वो जाके ये बात हर्मिया जो है ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है हेलेना उसको बता देती है। पर हेलेना भी अब वो भी ऑब्वियसली लड़की है, तो उसका एक लवर होता है जिसका नाम होता है डेमेट्रिकस। ये वही डेमेट्रिकस है जिससे हर्मिया के फादर अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अब ये जो डेमेट्रिकस होता है वो इसको ये बात इसलिए बताती है क्योंकि उसको पता होता है कि डेमेट्रिकस जो है वो हर्मिया के पीछे पीछे जंगल में जाएगा और इसका अपना प्लान होता है, क्योंकि ये कभी ये डेमेट्रिकस से शादी करना चाहती होती है, तो इसलिए वो ये बात उसको बता देती है। और अब यहाँ पे दो प्लॉट्स एक साथ चलते हैं, एक प्लॉट जो मेजर प्लॉट है वो तो है हर्मिया का और माइनर प्लॉट है ओबेरॉन का। ये किंग ओबेरॉन, जो ओबेरॉन है ये फेरी किंग है और ये करेक्टर जो है ये सबसे पहले शेक्सपियर ने बड़े लार्ज स्केल पे प्रेजेंट किया था। ये फेरी किंग जो है, अब इस करेक्टर को शेक्सपियर साहब ने क्या किया, उसको बताया कि ओबेरॉन भी उसी जंगल में रहता होता है, वहीं अपना विजिट रखता होता है और ये जो टाइटेनिया है ये उसकी वाइफ है और क्वीन है, फेरी क्वीन मान लीजिए आप इसको। तो सर अब ये जो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, इन दोनों के बीच में भी एक पेज, एक नौकर को लेकर लड़ाई होती है। वो ये कहता है कि एक कोई पर्टिकुलर लड़का होता है जो कि टाइटेनिया की फ्रेंड का बेटा होता है, जब टाइटेनिया की फ्रेंड एक्सपायर हो जाती है तो वो उस बेटे को अपने साथ अपना नौकर बनाना जाती है। ओबेरॉन डिमांड करता है कि वो नौकर मेरे को दे दिया जाए। इस छोटी सी बात पर उनकी लड़ाई हो रही होती है और टाइटेनिया उसको नौकर देने से मना कर देती है। तो ओबेरॉन को गुस्सा आता है। ओबेरॉन जो इसमें एक बड़ा फेमस करैक्टर है जिसका नाम है पक और इसका दूसरा नाम है जो कि नेट का क्वेश्चन है, रॉबिन गुडफेलो। तो साहब ये जो रॉबिन गुडफेलो है, ये जो बंदा है ये इसके पास में, ये इसका नौकर है और थोड़ा सा ये वैसे तो इसका काउंसलर है और ये उसको जाके सजेस्ट करता है कि भाई एक ऐसा फ्लोवर है, ये मैंने एक सिंपल सा फ्लोवर बनाया आपकी याद करने के लिए भी, एक ऐसा फ्लोवर है जिस फ्लोवर से को कि अगर
एक ड्रॉप हम किसी पर्सन की आंखों के ऊपर डाल दें और वो पर्सन उठकर जिसको भी देखेगा वो उसी से प्यार करने लग जाएगा। तो वो कहता है कि तू ऐसे करना, तू ये दो बूंद टाइटेनिया के ऊपर डाल देना, ठीक है, और ये भी कोशिश करना कि टाइटेनिया के पास में उस टाइम कोई बंदा खड़ा हो ताकि वो उसको प्यार करने लग जाए और मेरे को ये जो मेरा ये नौकर मैं चाहता हूँ वो नौकर मेरे को मिल जाए। ठीक है सर, इसी टाइम जब है उसने इसी टाइम वो क्या होता है कि अब ये हर्मिया और लिसेंडर भी जंगल में आ चुकी है और इनके पीछे पीछे डेमेट्रिकस है और डेमेट्रिकस के पीछे पीछे हेलन है। अब जैसे ही ओबेरोन हेलना को देखता है तो ओबेरोन को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई होगी है, क्योंकि पहले हेलना और डेमेट्रिकस जंगल में इकट्ठे फिरा करते घुमा फिरा करते थे। तो अब ओबेरोन कहता है पक्को कि भाई ऐसे करना, तो दो गुण डेमेट्रिकस के ऊपर डाल देना ताकि डेमेट्रिकस भी जो है वो एलेना को देखे और एलेना को प्यार करने लग जाएगा, इन दोनों की लड़ाई भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए जनरल वे की बात है, वो ऐसा अच्छा अच्छे बिहेवियर में करता है और वो कहता है कि सर मैं डेमेट्रिकस को पहचानूंगा कैसे। तो वो कहता है कि डेमेट्रिकस ने अपना एथेनियन कपड़े पहने होंगे। अब पेज भी सच्चा है, वो कहता है ठीक है बोस जैसा आपका ऑर्डर किया जाता है मैं वैसे करता हूं। अब हर्मिया जो है वो जंगल से आ चुकी है, अपने घर से निकल आई है, लिसेंडर वो दोनों जंगल में आ गए। अब लड़की है चलते चलते थक जाती है तो वो सो जाती है और उसके पास ही लिसेंडर भी सो जाता है। अब इसने भी वही कपड़े पहने होते हैं, एथेंस का रहने वाला ये भी, इसने एथेनियन कपड़े पहने होते हैं, तो पक जो है वो लिसेंडर के जाकर दो ड्रॉप्स डाल देता है। अब ये जो दो ड्रॉप्स लिसेंडर की डलती है इसके बाद, और वहां पे क्या होता है कि और वहां पे ये होता है कि हेलेना जो है, अब वो डेमेट्रिकस लड़का होता है तेज चल रहा होता है, तेज चल रहा लड़का होता है, तो उससे वो क्या होता है कि उससे ना वो डेमेट्रिकस पीछे रह जाता, आगे निकल जाता है और हेलेना जो है वो लिसेंडर के पास जाके खड़ी हो जाती है। लिसेंडर थका हुआ बड़े आराम से सोया पड़ा था, वो सोचती है लिसेंडर तो मर गया, वो लिसेंडर को हिलाती है, लिसेंडर जागता है। अब जादुई ड्रॉप से जो होता है कि लिसेंडर देखते ही हेलेना का दीवाना हो जाता है। अब ये तो मैजिकल है, हेलेना की लगता है कि वो उसको प्रपोज करना शुरू करता है। हेलेना सोचती है कि यार ये ना मेरे को छेड़ रहा है, मेरे को तंग कर रहा है, वो वहां से गाली निकालती हुई चली जाती है। ओबेरोन को ये देखता है, पीछे पीछे लिसेंडर हो जाता है। ओबेरोन ये देखता है, कहता है कि यार पक तूने ये क्या कर दिया, तूने गलत बंदे के ड्रॉप्स डाल दी। तो पक का कहता है कि सर अब क्या करूं, कहता चल ऐसे कर, इस डेमेट्रिकस के भी दो ड्रॉप जाके डाला ताकि वो हेलेना के पीछे हो जाए। अब डेमेट्रिकस भी डालता है, अब ये डेमेट्रिकस भी डालना शुरू करता है। तो अब इस टाइम तक हर्मिया की जाग भी खुल जाती है, तो वो क्या देखती है कि दोनों लड़के जो लिसेंडर और डेमेट्रिकस है ये तो हेलेना के पीछे हैं। अब ये दोनों लड़कियों में भी लड़ाई हो जाती है और डेमेट्रिकस और लिसेंडर में भी लड़ाई हो जाती है। वो कहता है कि मेरे को हेलेना चाहिए, वो कहता मेरे को चाहिए। तो अब ओबेरोन जो कहता है वो कहता है कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो कहता है कि ऐसे करते हैं अपने इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। इतने में वो क्या करता है कि टाइटेनिया के पास में एक क्लोन खड़ा होता है, जिस क्लोन के जो ये क्लोन होता है, इस क्लोन ने को वो क्या करता है, एक क्लोन खड़ा होता है जिस क्लोन को देखते ही वो कहता है अब टाइटेनिया को जगाओ, और इस क्लोन के जो सर है ना वो उसको डंकी हेड में कन्वर्ट कर देता है। वो कहता है इसको एक डंकी हेड का शेप दे देता है अपनी मैजिकल पावर से, और वो जो डंकी हेड है उसको टाइटेनिया कहती है कि ओहो ये तो इतना ब्यूटीफुल, मेरा लवर तो यही है। जादू के वश में वो उससे बात करती है। अब जब वो पक जाके वो फूल लेके आता है जो जादुई फूल होता है, अब वो उसकी दो ड्रॉप से लिसेंडर के ऊपर डालता है और दो ड्रॉप से टाइटेनिया के ऊपर डालता है, तब उनका जादू टूट जाता है और टाइटेनिया माफी मांगकर पेज जो है वो ओबेरोन को दे देती है। और इसके बाद में डेमेट्रिकस जो है वो हेलेना को वो करने लगता है, प्यार करने लगता है, और लिसेंडर तो हर्मिया को करता ही होता है। तो अब वो जाके डेमेट्रिकस उसकी मत फादर को कहता है कि सर मैं हर्मिया से शादी नहीं करना चाहता हूं। तो इस तरह से इसकी हैप्पी एंडिंग होती है कि ये जो हर्मिया को लिसेंडर मिलता है, हेलेना को डेमेट्रिकस मिलता है, और ओबेरोन जो है उसको वो पेज मिल जाता है।
इस तरह इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको वो वीडियो तुरंत मिल सके। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।